मुझे बहुत सारे ईमेल मैसेजेस और यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि सर मार्केट में जो बाईफेशियल पैनल है वो दो तरह का बाईफेशियल पैनल है, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, तो आप एन टाइप बाईफेशियल पैनल को बेस्ट बताते हैं कि एन टाइप बाईफेशियल पैनल जो है वो बेस्ट है, तो कृपया कोई इस तरह का कोई डेमो दीजिएगा कि जिससे हम लोगों को ये समझ आ जाए कि बाईफेशियल एन टाइप जो पैनल है वो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि लो लाइट कंडीशन में, बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में बाईफेशियल पैनल किस तरह का परफॉर्म करता है एन टाइप बाईफेशियल पैनल। कि एन टाइप बाईफेशियल पैनल जो है वो पी टाइप से दो वजहों से ज़्यादा अच्छा है। एक तो जो LID इफेक्ट होता है, जो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन होता है, मतलब कि जब पैनल को आप फर्स्ट टाइम सनलाइट में लेके जाते हैं तो उसकी इफ़िशेंसी डाउन हो जाती है पी टाइप मॉड्यूल्स की, और अप टू 3% तक डाउन हो जाती है। पर एन टाइप बाईफेशियल पैनल के साथ में ये समस्या नहीं है, वहाँ पे जो LID डिग्रेशन होता है वो 0.3% का होता है, 0.3% का। तो एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि लो लाइट कंडीशन में बहुत बेटर परफॉर्म करता है। आप ये समझिए कि कोई भी पैनल है उसको जो जरूरत पड़ती है अब वर्किंग करने के लिए फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है। आपने आज तक बहुत सारे पैनल्स देखे होंगे, कोई पैनल छाँव में काम नहीं करता है। तो ये जो पैनल है ये आपको छाँव में भी काम करेगा और आपका धूप में भी काम करेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो में मैं पूरा आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि जो पैनल है ये बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में किस तरह का परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग देख रहे हैं ये धूप आ रही है बिल्डिंग पे, और ये धूप जो है यहाँ तक आ रही है, और धूप के पीछे जो है मैंने पैनल को माउंट करा दिया है एक चेयर की मदद से, कि जो है बिल्कुल इस पर जो कोई भी जो है वो धूप बिल्कुल भी ना रहे। और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परछाई में हम लोगों ने ये पैनल को रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धूप जो है पैनल से दूर है। अभी मैं पैनल को थोड़ा पास आ रही है और हल्का सा और पीछे करा देता हूँ पैनल को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो, थोड़ा सा पीछे, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि। तो ये मैंने पैनल को और थोड़ा सा पीछे हटा दिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसके ऊपर जो है कहीं कोई डायरेक्ट सनलाइट नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सनलाइट जो है ये बाहर सनलाइट है और पैनल के ऊपर कोई सनलाइट नहीं है। तो जैसे कि क्लाउडी वेदर होता है, जो क्लाउडी मौसम होता है, तो क्लाउडी मौसम में तो फिर भी धूप आती रहती है पैनल के ऊपर, तो कोई भी पैनल जो है वो थोड़ा बहुत काम करता रहता है। पर जहाँ पूरी तरीके से बिल्डिंग का शेडो आ गया है वहाँ पे पैनल, कोई पैनल काम नहीं करता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले टेस्ट करके हटा। तो पहले हम लोग टेस्ट करते हैं इसके वोल्ट कि कितने वोल्ट हैं हमारे पैनल में, कितने वोल्ट आ रहे हैं, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। लगाओ तो ये आप देख रहे हैं 44.6 वोल्ट जो हैं वो हमारे पैनल में आ गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 44.6 वोल्ट है पैनल में। और ये पैनल मैंने आपको दिखा दिया, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी तरीके से छाँव में है, धूप पैनल से बहुत दूर है और पैनल को कोई प्रॉपर हम लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं दिया है, पैनल को कोई प्रॉपर हम लोगों ने एंगल नहीं दिया है। बाईफेशियल पैनल की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसको ग्राउंड से हटा के रखेंगे तो उस कंडीशन में जो है जितना आप बाईफेशियल पैनल को अपने ग्राउंड से 2 से 2.5 फीट की अगर हाइट पे ले जाएंगे तो पैनल जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा। क्योंकि इसके जो बैक साइड है, बैक साइड इस टाइम पे कोई काम नहीं कर रही है, वो इसलिए काम नहीं कर रही है बैक साइड क्योंकि पीछे चेयर लगा दी गई है और पूरी तरीके से कोई रिफ्लेक्टिव एरिया नहीं है, चूँकि धूप ही नहीं है तो रिफ्लेक्टिव एरिया कहाँ से होगा। तो अभी फ्रंट साइड में हम लोग जनरेशन देखेंगे, फ्रंट साइड का हम लोगों को कितना जनरेशन मिलता है। इसके बाद में मैं आपको इसको धूप में भी रख के दिखाऊंगा कि धूप में हम लोगों को एन टाइप बाईफेशियल पैनल का क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं एम्पीयर टेस्ट करने पे, पैनल को हम जो है पहले वो शॉर्ट कर लेते हैं। तो पैनल को पहले हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, ये पैनल हमने शॉर्ट कर दिया है और अब आप देखिएगा कि कितने एम्पियर हम लोगों को मिल रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप ये देखिएगा, हमने पैनल शॉर्ट कर दिया है और 1 एम्पियर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब 44 वोल्ट पे 1 एम्पियर हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वॉट जो होता है वो P = VI होता है,
तो इसका मतलब आप ये सीधा सा समझ सकते हैं कि 45 वोल्ट हमें मिल रहे थे और 1 एम्पियर हमें मिल रहा है, तो 45 वोल्ट हमें मिला है लो लाइट कंडीशन में, मतलब कि बिल्कुल लो लाइट है कंडीशन, कोई धूप नहीं है, और धूप ना होने के बाद भी पैनल जो है अपनी क्षमता का 10% जो है काम कर रहा है। तो ये तो है बिल्कुल लो लाइट कंडीशन में, कि जब लो लाइट कंडीशन है तब क्या। अब इसको हम लाइट की कंडीशन में भी टेस्ट कर लेते हैं कि लाइट की कंडीशन में इसकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब इस पैनल को हमने ले आए हैं हम धूप में, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बायफेशियल पैनल में अगर आपको मैक्सिमम एडवांटेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक रिफ्लेक्टिव एरिया उसको देना पड़ेगा, मतलब कि पैनल को जो है वो आपको ग्राउंड से कम 2 से 2.5 फीट ऊपर रखना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोई रिफ्लेक्टिव एरिया नहीं है, तो इसका रेयर पोर्शन आप ये समझिए कि ना के बराबर काम कर रहा है, और सीधा हमने एक टीन शेड पे इसको माउंट कर दिया है। तो केवल फ्रंट साइड ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि फ्रंट साइड का कितना जनरेशन मिल पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर रिफ्लेक्टिव एरिया नहीं मिलेगा इसके नीचे वाले पोर्शन को तो पैनल जो है वो मैक्सिमम काम नहीं करेगा। तो फ्रंट साइड से देख लेते हैं कि धूप में क्या परफॉर्मेंस रहेगी इसकी। तो वही तरीका, पैनल को शॉर्ट कर लेते हैं, और शॉर्ट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है हमें। तो आप देख रहे हैं 8.83 एम्पियर 8.4 एम्पियर, अप्रॉक्स 9 एम्पियर हम लोग मान सकते हैं कि 9 एम्पियर हम लोगों को इस पैनल से मिल रहे हैं। तो 9 एम्पियर अगर हमें इस पैनल से मिल रहे हैं जबकि कोई रिफ्लेक्टिव एरिया नहीं है, 8.88 आप देख रहे हैं, और दिन के सुबह के 9 बजे हैं, तो अभी पैनल की ये मैक्सिमम टाइम भी नहीं है पैनल के काम करने का, सुबह के 9 बजे जो है, क्योंकि कोई भी पैनल अपने मैक्सिमम काम नहीं करता है। फरवरी का महीना है, तो फरवरी के महीने में करीब जो है दिन के 12 बजे मैक्सिमम पैनल अपना जनरेशन करता है। तो साथ ही मैं आपको वोल्ट दिखा देता हूँ कि वोल्ट की क्या स्थिति रहने वाली है। अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक करा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 47.1 वोल्ट है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 420 वोल्ट से प्लस ही हो जाता है, मतलब 9 एम्पियर और 47 वोल्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब करीब जो है हमारा पैनल 420 वोल्ट से ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर रहा है, 424 425 वोल्ट के आसपास तक का ही प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसको मैं आपको उल्टा करके और दिखा देता हूँ कि ये तो फ्रंट साइड हो गया इसका। अब एन टाइप का क्या है कि इस पैनल में कि जैसे ही आप जो हैं पैनल को प्रॉपर पोजीशनिंग देंगे तो वो पैनल जो है अपना बेस्ट काम करेगा। तो अब मैं आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ पैनल को कि भाई उल्टा करके जो है पैनल अगर हम उल्टा करते हैं तो कितने वोल्ट रहा है। 46 वोल्ट हम लोगों को इसकी बैक साइड से मिल रहे हैं, कि अगर इसकी बैक साइड को प्रॉपर स्पेस दिया जाता तो कितना मिलता। एम्पियर और टेस्ट करा के दिखा देता हूँ मैं आपको इसका कितना एम्पियर मिलने वाला है। तो ये मीटर है और ये क्लैंप मीटर से आप ये देखिएगा, ये करीब हमें मिल रहे हैं इसमें 4.4, ये सामने से हटो जरा, 5 हट जाओ, 5.67, मतलब लगभग 6 एम्पियर हमें लोगों को मिल रहे हैं। तो करीब 350 वाट का प्रोडक्शन जो है वो हमें मिल रहा है, जबकि आप ये देखिएगा पैनल मैंने किसी एंगल पे नहीं लगाया है, सीधा पैनल को स्ट्रेट खड़ा कर दिया है, कोई एंगल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एन टाइप बायफेशियल पैनल की विशेषताएँ हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि एन टाइप बायफेशियल पैनल जो है वो इंडिया का नंबर वन पैनल क्यों है। मैंने आपको लाइव टेस्ट भी करके दिखाया, बहुत सारे हमारे यूज़र्स की शिकायत रहती थी कि सर आप लाइव टेस्ट करके नहीं दिखाते हैं, तो मैंने आपको इसी लिए लाइव टेस्ट करके दिखाया है कि ये पैनल इंडिया का नंबर वन पैनल है। इसका डिग्रेशन सबसे कम है, जनरेशन सबसे ज़्यादा है, लो लाइट कंडीशन में भी मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल हमने बिल्डिंग के अंदर इसको ले गए और वहाँ पर भी हम लोगों को 40-45 वाट इससे आराम से मिल रहा था। तो जब लो लाइट कंडीशन होती है या फॉगी सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उसमें क्या है कि उसमें सनलाइट होती है हमारे पास में, पर उसमें कम होती है सनलाइट के जो फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम होते हैं, पर अगर बिल्डिंग की शेड की बात करो तो वहाँ पे फोटॉन्स होते ही नहीं हैं। तो जब बिल्डिंग की शेड में पैनल हमारा 50 वाट का आउटपुट दे रहा है और सुबह 9 बजे 422 वाट का आउटपुट दे रहा है फ्रंट साइड से, तो आप सोच सकते हैं कि ये पैनल ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी करता होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।